इसको आप दोबारा बताइए। ये सेकेंडरी हार्डनिंग है, जब हमने प्राइमरी हार्डनिंग से प्लांट निकला उसके बाद सेकेंडरी हार्डनिंग ये सॉइल के अंदर होती है। सेकेंडरी हार्डनिंग जब हो गया तो उसके बाद उसमें हार्डनिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर आप देखेंगे तो इसमें रूट्स जो हैं डेवलप हो चुकी है, फुल डेवलप हो चुकी हैं। इतने छोटे से प्लांट में ये रूट्स हैं जी, इतने छोटे, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसका हार्डनिंग का कोई मतलब नहीं है, ये सेकेंडरी हार्डनिंग हो चुकी है। इसके बाद ये फील्ड में जाएगा, फील्ड में इसके बाद हम इसको फील्ड में कम से कम एक साल रखते हैं, एक साल, जो पूरा बूडी प्लांट बन जाता है, उसमें लकड़ बन जाता है, वो तैयार हो जाता है जी। वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। उसके बाद उसमें रूट स्टॉक लोग अपने बगीचे में ले जा सकते हैं या फिर उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग भी करते हैं जी। ये मोहित जी, जो हमने खेत में प्लांट शिफ्ट कर दिए थे, अब आजकल ये फरवरी मंथ चल रहा है, हम इन प्लांट्स को उखाड़ लिए हैं जी। और उखाड़ने के बाद ये प्लांट जब इतना मोटा और इतना हेल्दी हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल देख पा रहे हैं, इसकी ये पूरा कंप्लीट हार्डन प्लांट है, इसको बूडी प्लांट बोलते हैं जी। देखिए इसके रूट्स देखेंगे अगर आप, तो ये जी जी जी, ये कंप्लीट रूट्स इसमें हैं, तो ये इतने बड़ा प्लांट है। और ये हार्डनिंग का जो, और ये जो विनोद भाई, जो ये इतना बड़ा प्लांट हुआ है, कई लोगों को ये मानना कठिन होगा कि ये उसी प्रोसेस से गुजरा है जो आपने लेबोरेटरियों में हमें दिखाया है। लेबोरेटरी में जब बना तो उसके बाद ही ये प्लांट खेत में रहा अबाउट डेढ़ साल, डेढ़ साल, तब ये प्लांट, ये रूट है खाली, ये रूट स्टॉक M7 है तो इसमें, या M9 है या 111 कोई सा भी रूट स्टॉक, तो उसमें क्या होगा कि ये प्लांट रेडी हो गया डेढ़ साल के बाद जी। जब ये प्लांट के पे हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये फ्रूटिंग पे आएगा, ये फ्रूटिंग पे आएगा, फ्रूटिंग पे आएगा। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम ग्राफ्टिंग करके प्लांट तैयार करके यहाँ रखते हैं। इसके बाद इसको, आज तो थोड़ी बारिश की वजह से लेट हो गया, अदरवाइज इसको खेत में शिफ्ट करने का टाइम अबाउट हो चुका है, अभी हम इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं खेतों में। ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की ग्राफ्टिंग कर दी है, उसमें हर वैरायटी में टैग और हर वैरायटी में रूट स्टॉक कौन सा है, ऊपर वैरायटी कौन सी है, कलर कोडिंग प्लस टैग कोडिंग वो सब रहता है। इसके बाद ये जब खेत में जाता है जी, तो खेत में इसको प्रॉपरली एक खेत में एक ही वैरायटी लगाई जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो छोटा रूट स्टॉक रहता है जी कुछ, तो इसको भी हम दोबारा खेतों में हार्डिंग करते हैं जी। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाएगा प्लांट, ये बड़ा हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट ईयर इस पे ग्राफ्टिंग होगी जी। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे ग्राफ्टर कैसे काम कर रहे हैं। ये टेबल ग्राफ्टिंग, ये टेबल ग्राफ्टिंग है जी। और ये प्लांट हमने कुछ क्लोनिंग से बनाए थे, एक्सबिट्रो क्लोनिंग, फील्ड में क्लोनिंग करके। कुछ लोग मांगते हैं कि हमें टिश्यू कल्चर वाला नहीं, क्लोनिंग वाला चाहिए, तो हम कुछ प्लांट क्लोनिंग से बनाते हैं। इसमें रूट्स इतनी अच्छी नहीं होती, नहीं होती है, इसमें रूट्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं और इसमें सर्वाइविंग रेट भी कम होता है, कम रहता है जी। तो रूट्स इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी हम कुछ प्लांट ऐसे बनाते हैं। सोनी भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, जो बहुत सारे बागवान भाई जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं कि कौन सा रूट स्टॉक बेटर है, क्लोनल कि टिश्यू कल्चर। बेहतर तो टेक्नोलॉजी के मुताबिक देखा जाए तो टिश्यू कल्चर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें रूट्स बहुत अच्छी होती है जी, सर्वाइविंग रेट 100% होता है जी। क्लोनल जो फील्ड क्लोनिंग है, इस ये एक विधि है, उसको इनविट्रो क्लोनिंग बोलते हैं, उसको एक्सविट्रो क्लोनिंग बोलते हैं। जो स्टूलिंग वाली जो विधि है वो भी बेहतर है, लेकिन उसमें जो बनाने वाला है उसको प्रॉपरली काम आना चाहिए, प्रॉपरली उसमें रूट्स प्रॉपर अगर आ जाती हैं जी, तो जो स्टूलिंग वाला है वो एक सस्ता मेथड है।
टिश्यू कल्चर वाला थोड़ा कॉस्टली मेथड है, उसकी वजह से जो फॉरेन वगैरह में जो प्लांट बन रहे हैं वो वहाँ पे बहुत जो लेबर है या जो डॉक्टर हैं उनके खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सविट्रो क्लोनिंग पे काम किया जाता है। लेकिन मदर प्लांट है या जिनेवा सीरीज है वो अभी उसका मास मल्टीप्लिकेशन करना है तो उन लोगों को टिश्यू कल्चर पर ही करना पड़ रहा है। फिर भी हम टिश्यू कल्चर से भी बना रहे हैं, अभी हम एक्सविट्रो बाहर स्टूलिंग से भी अबाउट इस साल हमने 20,000 प्लांट स्टूलिंग में पिछले साल डाला था, जो इस साल कुछ प्लांट्स हम निकले हैं जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर को हमारे पास अबाउट ये फील्ड क्लोनिंग वाला भी अबाउट 1,00,000 प्लांट होगा। ये मतलब हर चीज़ की जो टेबल ग्राफ्टिंग हो रही है हर वैरायटी की अलग 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 वैरायटी जी वैरायटी वाइज आप जो है करते हैं। ये जैसे ये गालेवाल गाला हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और ये रूट स्टॉक जो है वो M9 है जी। एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि लोग कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ऑलमोस्ट 8,000 फीट की ऊंचाई पे और जहाँ पे 3.5 फुट बर्फ़ गिरती है वो कहते हैं कि वहाँ रूट स्टॉक कामयाब नहीं है, नहीं। तो इसके ऊपर रोशनी डालिए जरा। ऐसा नहीं है किन्नौर के नाको में या वहाँ पे हमारे कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, हमारी बर्फ यहाँ पे 8,000 पे गिरती की, कश्मीर में उतना बर्फ 5,000 और 6,000 गिर जाती है, तो इतना रूट स्टॉक लगा है। ये है कि उसमें टाल स्पेंडल सिस्टम पे अगर आप लेते हैं तो उसको ट्रेलेसिंग उसको सपोर्ट तो लगाना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा बर्फ गिरती है तो हमने वहाँ केलांग में उदयपुर में केलांग में या किन्नौर में या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वहाँ किन्नौर में बहुत सारे अच्छे फार्म लगाए थे जो कि वहाँ सरवाइव कर रहे हैं, ऐसा ये भ्रांति है बाकी ऐसा। और एक क्वेश्चन और कि अभी हिमाचल प्रदेश को रूट स्टॉक में काम करते हुए मेरे ख्याल 5-7 साल भी नहीं हुए जिसका जो बगीचा हम पूरी तरह से रूट स्टॉक पे डिपेंडेंट कह सकते हैं, तो ये बोल देना कि ये जो है कलम के पास से टूट जाता है ये कितना सच्चा है और कितनी झूठ बात है, इसके बारे में रोशनी डाल। अगर इनकम्पेबिलिटी है ग्राफ्टिंग में और रूट जी वो रूट स्टॉक है या सीडलिंग है यस या टिश्यू कल्चर है या फील्ड क्लोनिंग है, जब इनकम्पेबिलिटी आती है अगर उसमें एक मेजर वायरस पाया जाता है, अगर वायरस आपकी बड बुड में है या रूट में है तो कोई सा भी है तो चाहे सीडलिंग है चाहे रूट स्टॉक है चाहे क्लोनल है वो टूट सकता है, अगर आपकी बड बुड में वायरस है या आपके रूट में वायरस रूट अदरवाइज अगर वायरस नहीं है तो ना ही टिश्यू कल्चर का टूटेगा ना क्लोनल वाला टूटेगा ना सीडलिंग वाला टूटेगा। ये सिर्फ पहले बोलते थे कि 4 साल बाद टूट जाएगा जी, हाँ। अब जब 8-8 साल भी हो गए 15 साल कह रहे बोलते 15 साल बाद अगर 15 साल बाद टूट जाएगा तो 15 साल बाद हम फसल लेके काट ही देंगे, तब तक नई वैरायटियां जिनेवा सीरीज आएगी नई वैरायटियां आएंगी तब उस पे काम करेंगे, ये तो भ्रांति है सिर्फ। सोनी भाई आपका नहीं आपका हमने पूरा सेटअप विजिट किया, आपकी लेबोरेटरी विजिट की, आपका बारीकी से बारीकी चीज देखी कि टिश्यू कैसे डेवलप किया जाता है, क्या आपने लेबोरेटरी का इंतजाम किया है और किस प्रकार से आपके जो स्टाफ है वो हम देख पा रहे हैं कि वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपना काम ढंग से कर रहे हैं। तो मेरा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो